नमस्कार एफटी न्यूज में मैं ज्योति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। गोरखपुर दशहरा दीपावली व छठ पूजा की तैयारी को लेकर आज एनेक्सी भवन में डीएम के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में शांति सद्भावना समिति के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान एडीएम एफ आर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ICMR की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नवम्बर और दिसंबर में कोरोना अपने चरम पर रहेगा और इसी बीच हमारे सभी त्यौहार भी हैं, लिहाजा में प्रशासन द्वारा गाइडलाइन को भी अनिवार्य रूप से पालन करना है, नहीं तो इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। SSP जोगिंदर कुमार ने चर्चा के दौरान बताया कि शासन द्वारा नई गाइडलाइन के हिसाब से पूजा पंडालों लगाने के लिए संबंधित अधिकारी से परमिशन लेना होगा और इस दौरान CCTV और पानी के बोतल की व्यवस्था रखना अनिवार्य है। DM के विजेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि आज हमारी बैठक शांति सद्भावना समिति के कार्यकर्ताओं के साथ हुई। उन्होंने हमें पहले भी काफ़ी सहयोग किया, दुर्गा पूजा से लेकर भैयादूज नवंबर में काफ़ी सारे त्यौहार हैं, इस बीच भीड़ होने की भी संभावना ज़्यादा है और कोविड बढ़ने की भी संभावना ज़्यादा है, इसलिए हमारी अपील है कि इन त्यौहारों को हम न्यूनतम लेवल कर लें, मिनिमम लोगों के साथ कर लें और भीड़ ना कराएं। कोविड की गाइडलाइन को हम लोगों ने अच्छे से समझाया है, बहुत लोग समझ भी लिए हैं, मान भी लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि त्योहारों में कोविड का प्रकोप ना बढ़े। इस दौरान लोगों ने बहुत से सुझाव दिए, इस पर हम नगर निगम के एक्टिविटी को देखेंगे और टीम बनाकर साफ सफाई कराया जाएगा। यह बहुत अच्छा सुझाव है, हम इस बार काम करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन का आदेश है कि सार्वजनिक जगहों पर पंडाल नहीं लगाए जा सकते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। अगर आप पंडाल बगैर मैदान में व्यवस्था कर सकते हैं तो आपको परमिशन मिल सकता है। देखिए, शांति सद्भावना समिति के साथ हम लोग मीटिंग लिए हैं। गोरखपुर का ये समिति है, हमेशा हम लोग का सहयोगी के रूप से काम करते हैं, करते आ रहे हैं, इसलिए तो हम लोग इतने कितने भी कठिनाई होता है यहाँ गोरखपुर में शांतिपूर्वक हम लोग उसको मिल के निस्तारण कर देते हैं और इसी का आज हम अपील किए थे ताकि जो आने वाले त्यौहार है, बहुत सारे त्यौहार हैं, ये दुर्गा पूजा से लेके फिर आप लोग जो भाई दूज तक का तो पूरे नवम्बर का त्यौहार है, इस पे बहुत भीड़ भाड़ होने की संभावना ज़्यादा है। खासतौर पे इस मौसम में ये जो कोविड का जो प्रकोप बढ़ने की भी संभावना ज़्यादा है, इसलिए हम लोग अपील किए हैं ताकि इसको त्यौहार को तो न्यूनतम लेवल पे कर लें, मिनिमम लोग के साथ कर लें और भीड़ भाड़ ना कराएं। और कोविड प्रोटोकॉल शासन ने जारी किया, उसको बहुत विस्तार से हम लोग डिटेल में समझाया और बहुत लोग सहयोग भी किए हैं, मान भी लिए हैं। उम्मीद करते हैं इसी त्यौहार के समय में कोई ये कोविड का प्रकोप ना बढ़ जाए। बहुत सुझाव दिए थे, खासतौर पे जो नगर निगम का वो कितने जो सफाई फाई एक्टिविटी उसी के तो आज ही हम लोग एक्टिवेट कराएंगे। उसके अलावा उन लोग सुझाव ये दिए थे जो ग्रुप में मिला करके कराने के लिए, उसके नीचे लेवल पे हम लोग फिर मीटिंग करा रहे हैं, वो सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। जी देखिए, शासन ने जो मना कर रखा है सार्वजनिक जगह पे मना है, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हो पाएगा, वो जो मैदान है वो कोई पंडाल है अलग आप व्यवस्था कर सकते हैं तब आपको अनुमति मिलेगा ताकि सार्वजनिक वाले और रेडी। देखिए, जो नियम के अनुसार जो उस पर दिया हुआ है, यदि आपको जो जगह है उस पर सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर पाएंगे और यदि आप मूर्ति का जो साइज है, स्थापना है, सारे चीज़ को पालन कर पाएंगे तब अनुमति मिलेगा।